नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। काश विराट कोहली का जो पहला बच्चा है वो ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेता, ताकि हम बाद में दावा कर सकते कि वो ऑस्ट्रेलियाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के बड़े बल्लेबाज रहे एलन बॉर्डर का। दरअसल बॉर्डर जो है वो क्रिकेट के मुद्दों पर, खिलाड़ियों के मुद्दों पर कमेंट करते रहते हैं, और विराट कोहली के वो बहुत बड़े मुरीद हैं, बहुत बड़े फैन हैं, और विराट की बल्लेबाजी की वो तारीफ करते रहते हैं, उनकी अटैकिंग कप्तानी की तारीफ करते रहते हैं। और इस मुद्दे पर बोलते हुए जब उनसे ये पूछा गया कि विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद वापस चले जाएंगे, क्या सोचना है आपका, तो उन्होंने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया के फायदे में जो एक चीज़ है इस सीरीज में, वो यही है कि विराट कोहली सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलेंगे, बाकी के तीन नहीं खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बेनिफिट होगा विराट कोहली के ना खेलने से, क्योंकि वो बहुत शानदार बल्लेबाज हैं और उससे भी बढ़कर वो बढ़िया कप्तान हैं। उनकी कप्तानी भी टीम इंडिया मिस करेगी, उनकी बल्लेबाजी भी टीम इंडिया मिस करेगी। इसके बाद उन्होंने उनके बेबी पर कहा कि काश विराट कोहली का बच्चा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेता, हम तो ये चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेता, ताकि हम बाद में दावा कर सकते कि वो ऑस्ट्रेलियाई है। तो ये एलन बॉर्डर का नजरिया दिखाता है विराट कोहली के प्रति, कि वो चाहते हैं भाई कोहली जैसा एक ऑस्ट्रेलिया में जन्म ले, और कोहली का अक्स जो है, उनका जो भी बच्चा जन्म लेगा वो ऑस्ट्रेलियाई कहा जाए, ये चाहते हैं एलन बॉर्डर। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, इंडिया में ही रहेंगे अनुष्का, और विराट कोहली वापस आ जाएंगे जब जनवरी में जो उनकी ड्यू डेट है, डिलीवरी की ड्यू डेट है, तब तक कोहली उनके साथ मौजूद रहेंगे और उनका पहला बेबी इंडिया में ही जन्म लेगा। बॉर्डर जो चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा, लेकिन बॉर्डर ने जो कहा है वो काफ़ी मायने रखता है, वो रिस्पेक्ट दिखाता है हमारे टीम इंडिया के कप्तान के बारे में, एक बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के रिस्पेक्ट। कैसी लगी ये खबर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।